इन मशहूर सितारों ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी करियर की शुरुआत और आज करते हैं बॉलीवुड पर राज। सपनों की नगरी मुंबई में कई लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को फिल्म में बड़े रोल करने का मौका मिल पाता है। फिल्मों में एंट्री पाने के लिए लोग निर्माता निर्देशकों के ऑफिस में लगातार चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। आज हम आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन चर्चित चेहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड में एंट्री से पहले खुद को साबित करने के लिए साउथ इंडस्ट्री में काम करना पड़ा था। आइए देखते हैं लिस्ट। तापसी पन्नू बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने डेविड धवन की फिल्म चश्मे बद्दूर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन बॉलीवुड में मौका मिलने से पहले उन्हें साउथ की फिल्मों में काम करना पड़ा था। उनकी पहली तेलुगु फिल्म जुमांडी नादा थी। दीपिका पादुकोण की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में होती है। उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम से हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की थी। आँखों में तेरी। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि इस फिल्म से पहले वह कन्नड़ फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने साल 2006 में फिल्म ऐश्वर्या में सुपर स्टार उपेंद्र के साथ काम किया था। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा पूरे देश में रातों रात फेमस हो चुकी थी। हालांकि उनकी प्रसिद्धि का फायदा उन्हें बॉलीवुड में नहीं मिला। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी। तमिल सुपरस्टार विजय के साथ उन्होंने साल 2002 में फिल्म थामीजन की थी। ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें भी तुरंत काम नहीं मिल सका था। उन्हें भी पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख करना पड़ा था। ऐश्वर्या ने तमिल फिल्म इरुवर से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद आई उनकी फिल्म जीन्स ने उन्हें काफी फेमस कर दिया। इस फिल्म की वजह से ही बॉलीवुड में उनकी राह आसान हो सकी। अनिल कपूर देश के बड़े कलाकारों में शुमार होते हैं। अपने कैरियर में उन्होंने राम लखन, तेजाब, वेलकम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने मणि शर्मा के निर्देशन में बनी कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी से डेब्यू किया था। इस फिल्म को करने के बाद वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चले आए। आज अनिल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हैं। वह स्लम डॉग मिलेनियर जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं। तो ये थे कुछ हिंदी एक्टर्स जिन्होंने साउथ से अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में छा गए। तो दोस्तों, ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृषि आर्ट्स को।